सीतामढ़ी जिले में एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक इंस्पेक्टर ने ऑन ड्यूटी दरोगा की जमकर पिटाई की। इस घटना में दरोगा का सिर फट गया। घायल दरोगा इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के डुमरा थाना अंतर्गत भीषा में सड़क पर साइड लेने को लेकर बिहार पुलिस और एक्साइज इंस्पेक्टर के बीच आपस में भिड़ंत हो गई। इस दौरान दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि इंस्पेक्टर ने ईंट से मारकर दरोगा के सिर फोड़ डाला। मिली जानकारी के मुताबिक उत्पाद विभाग और बिहार पुलिस के जवान रास्ते से जा रहे थे, उसी दौरान सड़क पर जाम लगी थी। जाम को छुड़ाने के दौरान बिहार पुलिस और एक्साइज जवान के बीच में आपस में मारामारी शुरू हो गई। इस मारपीट की घटना में उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने पुलिस कर्मियों की जमकर पिटाई की। वहीं घटना में कई पुलिस वाले इस घटना में जख्मी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर अभिनव को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। जा रहे थे मोड़ के पास, जो है एक सिविल गाड़ी लगा, मैंने सिविल में उजरा रंग की गाड़ी लगा करके सिविल में दूसरा जो बैठक थे, बोले कि भाई गाड़ी यहाँ जाम लगा हुआ है, आप जो है गाड़ी मोड़ पर बैठ करके या जाम लगा करके बैठे हुए हैं। उससे ड्राइवर से बात हो रही थी तो ड्राइवर उस बात को मैंने साफ ध्यान में नहीं दे रहा था, वो बिल्कुल हंस रहा था। हम बोले कि गाड़ी का जाम लगा हुआ है, तुम हंस रहे हो, अरे गाड़ी को पीछे कर लो, थोड़ा सा पीछे कर लो। इसी पर उसमें आदमी तो ड्राइवर बोला कि नहीं जाओ जाओ। तब तक उसमें से पीछे से आए, बोले कि हम इंस्पेक्टर हैं, नैतिक का सिविल में थे, मद निषेध का हम इंस्पेक्टर हैं, साला कहीं लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है हमारा चोर। हम बोले करे आप इंस्पेक्टर हैं और गाड़ी दे रहे हैं। इस पर मैंने बंधक हुआ, बाकी तो बढ़ लगा, इस पर रोड पर पटक करके पत्थर से माथा पर मार दिया। सीतामढ़ी से अमित कुमार की रिपोर्ट।